तो गाइस 10 ऐसी गाड़ियां जो इंडियन मार्केट में इसी साल बहुत ही जल्द आने वाली है उसके बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस नंबर वन पे जो कार है वो है मारुति सुजुकी तरफ से मारुति सुजुकी जिम्नी। तो गाइस जिम्नी बहुत ही टाइम से बहुत हाइप पे था, इसने रिप्लेस किया है मारुति जिप्सी को और देखते हैं ये किस तरीके से परफॉर्म करता है इंडियन मार्केट में। ये 9 लाख से इसका प्राइस स्टार्ट हो जाएगा जहाँ तक सुनने में आया है, और इसके टक्कर में महिंद्रा ने भी लॉन्च कर दिया महिंद्रा थार 4x2। देखते हैं दोनों में कम्पीट करेगा और दोनों में से कौन सा बढ़िया वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है वो मार्केट में आने के बाद पता चलेगा। तो वेट करते हैं और देखते हैं कब तक जिम्नी डिलीवरी के लिए रेडी होता है। नंबर टू पे जो गाड़ी है वो है गाइस मारुति सुजुकी की तरफ से अगेन फ्रॉन्क्स। तो ये फ्रॉन्क्स जो इस पर मैंने वीडियो बनाया था, ये गाड़ी जो अनवील हुआ था मारुति सुजुकी की तरफ से, ये सामने से अगर आप देखोगे तो ये ग्रैंड विटारा की तरह दिखता है और साइड से अगर आप देखोगे तो बलेनो टाइप का दिखता है, यानी कि ये बलेनो और ग्रैंड विटारा के मिश्रण से जो है बना हुआ है फ्रॉन्क्स। और इसमें 1 लीटर का और 1.2 लीटर का इंजन जो है वो आने वाला है सुनने में आया है। प्राइस नियर अबाउट 7.5 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होने वाला है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है। नंबर थ्री पे जो कार है ये हाल ही फिलहाल अनवील हुआ है जो कि ह्यूंडई की तरफ से, ह्यूंडई 2023 वर्ना। तो वर्ना जो है इसका डिज़ाइन लैंग्वेज काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। गाड़ी ह्यूंडई जिसके लिए जानी जाती है जो डिज़ाइन के लिए वो पूरी तरीके से ये गाड़ी में दिख रहा है। गाड़ी बहुत ही खूबसूरत बन के निकल रही है सेडान। देखते हैं कब तक ये गाड़ी लॉन्च होता है, किस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होता है वो देखना भी बाकी है। बाकी इसमें 1.5 लीटर का टर्बो और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी आने वाले हैं, देखते हैं क्या सीन बनता है वर्ना का 2023 में। नंबर फोर पर जो कार है ये है गाइस किया की तरफ से, किया सेल्टॉस 2023। तो गाइस किया पीछे नहीं रहेगा, ह्यूंडई आगे जा रहा है तो किया तो जाएगा ही। तो सेल्टॉस का नया डिज़ाइन जो है वो अनवील हुआ है और नए लुक के साथ, नए एनहेंसमेंट के साथ गाड़ी आने वाला है। कॉस्मेटिक चेंजेस होने वाले हैं, DRL वगैरह सामने के ग्रिल्स वगैरह चेंज होने वाले हैं और गाड़ी पेट्रोल डीजल में अवेलेबल रहेगा। नियर अबाउट प्राइस इसका स्टार्ट होने वाला है, नियर अबाउट एक्सपेक्ट किया जा रहा है 12 लाख रुपये से इसका प्राइस स्टार्ट हो जाएगा। नंबर फाइव पे जो गाड़ी है इसका कज़न ब्रदर किया सेल्टॉस का कज़न ब्रदर ह्यूंडई क्रेटा, ह्यूंडई क्रेटा का 2023 वर्जन जो कि ट्यूसॉन की तरह दिखता है वो वाली गाड़ी का सुनने में आया था कि वो भी लॉन्च होने वाला है। अब देखते हैं कब तक ये गाड़ी लॉन्च होता है, किस प्राइस पॉइंट में होता है वो भी देखना बाकी है। ये भी पेट्रोल डीजल में अवेलेबल रहेगा, 12 लाख रुपये से इसका प्राइस भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका प्राइस स्टार्ट होगा एक शोरूम। अब देखते हैं मार्केट में जब तक लॉन्च नहीं होगा तब तक बताया नहीं जा सकता कितना प्राइस होने वाला है। नंबर सिक्स पे जो गाड़ी है वो है महिंद्रा की तरफ से महिंद्रा थार 5 डोर वर्जन। तो इसे कुछ लीक सामने आए हैं कि ये गाड़ी अभी जो कैमोफ्लेज रैप में ये देखने को मिला है रोड्स पे, जिसका टेस्टिंग चल रहा है, तो ये लॉन्ग व्हील बेस वर्जन होने वाला है थार का, जो काफ़ी मतलब वैल्यू फॉर मनी बन जाएगा। और मतलब जो लोग फैमिली, बड़ी फैमिली जिनका है और जो जिनको थोड़ा सा स्पेशियस थार चाहिए वो लोग इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं, और ये 4x2 4x4 में भी अवेलेबल रहेगा। तो देखते हैं कब तक ये गाड़ी लॉन्च होता है और किस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होता है वो भी देखना बाकी है। नंबर सेवन पे जो गाड़ी है वो होगा इस टाटा पीछे कैसे रहेगा। तो टाटा ने अनवील किया था इस एल्ट्रॉस रेसर एडिशन। तो ये जो रेसर एडिशन है ये एक्चुअली एल्ट्रॉस का एकदम टॉप ऑफ द लाइन और एकदम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी होने वाला है एल्ट्रॉस का। एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं तो फिर ये गाड़ी कम्पीट करेगा i20 N-Line को, ह्यूंडई की i20 N-Line जो कि एक थोड़ा सा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस ट्यून्ड वो गाड़ी है। तो उसी को टक्कर देने के लिए एल्ट्रॉस रेसर एडिशन भी लॉन्च होने वाला है। ये तो प्राइस पॉइंट भी वही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 13-14 लाख रुपीज़ में इसका प्राइस होने वाला है। तो देखते हैं क्या सीन बनता है मार्केट में लॉन्च होने के बाद। गाइस अगला जो गाड़ी है नंबर एट पे वो है टोयोटा की तरफ से इनोवा क्रिस्टा। तो गाइस इनोवा हाईक्रॉस तो लॉन्च हो चुका है लेकिन कंपनी ने इनोवा क्रिस्टा को भी साथ में डिलीवर करने का सोचा, तो इसलिए डीजल में अवेलेबल रहेगा, मैनुअल ट्रांसमिशन में रहेगा, ऑटोमेटिक नहीं रहेगा। नंबर नाइन पे जो गाड़ी है वो है सिट्रॉइन की तरफ से सिट्रॉइन EC3। तो EC3 एक इलेक्ट्रिक कार होने वाला है, ये कम्पीट करेगा टाटा टियागो को। टियागो सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक व्हीकल है अभी इंडियन मार्केट में, उसी को कम्पीट करेगा EC3 सिट्रॉइन की तरफ से। देखते हैं मार्केट में लॉन्च होने के बाद ये कैसा परफॉर्म करता है। लास्ट में नंबर 10 पे जो गाड़ी है जो कि है टाटा हैरियर सफारी का जो है रेड एंड डार्क एडिशन। तो ये बेस्ड एक्चुअली अगर मैं कॉस्मेटिक चेंजेस ही है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़े बहुत फीचर में ऊपर नीचे हुआ है अंदर की तरफ इंटीरियर्स में। बाकी ये जो डार्क एडिशन था सफारी और हैरियर का, उसी का ही उसमें थोड़ा सा अपग्रेड करके उसको रेड एडिशन भी कर दिया गया है। गाइस यही थे 10 गाड़ियां जो इंडियन मार्केट में काफ़ी जल्दी आने वाले हैं। देखते हैं कि ये गाड़ी जब तक लॉन्च होता है तब तक कैसे इंडियन मार्केट में परफॉर्म करता है, क्या सीन बनता है। तो गाइस आपको इन गाड़ियों में से कौन से गाड़ी के लिए आप एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद लाइक कीजिए, पसंद डिसलाइक कीजिए। इसके साथ मैं तब तक के लिए खुश रहे, सुरक्षित रहे, सेफ ड्राइव करें, अपना परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय।